Hello everyone, in this video we are going to talk about basics of salt and what all products we get from common salt, that is sodium hydroxide. तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट होता क्या. तो सॉल्ट है एक केमिकल कंपाउंड. केमिकल कंपाउंड से तुम ये समझते होगे कि तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एंड यू आर राइट कि हमारे दो एलिमेंट से एक केमिकल कंपाउंड बनता है एंड वी नेम इट एज सॉल्ट. अब इसको हम सॉल्ट की कैटेगरी में कब डालते हैं? सॉल्ट की कैटेगरी में तब डालेंगे जब इनके पास आयनिक असेंबली हो. आयनिक असेंबली से ये समझ आता है कि इनके पास एक कैटायन होना चाहिए और एक इनके पास एनायन होना चाहिए. लाइक वी ऑल नो अबाउट सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या है? एक कॉमन सॉल्ट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड. अब कॉमन सॉल्ट है, ये एग्जिस्ट कैसे करता है? इट एग्जिस्ट एज Na प्लस Cl माइनस. अब Na प्लस एक पॉजिटिव आयन है और एक Cl माइनस एक नेगेटिव आयन है. जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. तो आयनिक कंपाउंड्स को हम सॉल्ट मानते हैं. तो जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं वो आयनिक असेंबली बनाते हैं, उनको हम सॉल्ट बोलते हैं. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सॉल्ट होता है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि वी हैव सोडियम सल्फेट है हमारे पास, NaCl है. अब ये जो दोनों हैं, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू सोडियम सॉल्ट्स. अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं तो हमारे पास होते हैं NaCl और हमारे पास होता है पोटेशियम क्लोराइड. तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? क्लोराइड फैमिली को. फर्स्ट वाले सोडियम, सेकेंड वाले क्लोराइड फैमिली को. ऐसे ही बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनको हमने फैमिली वाइज कैटेगराइज किया हुआ. अब बात आती है पीएच ऑफ सॉल्ट की, कि पीएच ऑफ सॉल्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है. अब मान लो आपको मैंने एक एसिड दिया है और एक बेस दिया है और दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस. अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें पता है कि दे मेक सॉल्ट. अब सॉल्ट कैसा होगा? सॉल्ट होगा आपका न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ही कैसे हमने लिए, दोनों ही स्ट्रांग है. तो उस सॉल्ट जो हमारा बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा. और उसका पीएच कैसा होगा अगर न्यूट्रल है तो? 7. अब सेकेंड कंडीशन ये आती है कि आपके पास है स्ट्रांग एसिड और आपके पास है वीक बेस. स्ट्रांग एसिड और वीक बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो कैसा करेक्टर शो करेंगे? एसिडिक करेक्टर शो करेंगे. जो उसका सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर. क्योंकि देखो, हमारे पास जो दो चीजें हमने ली हैं, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस, तो वो कैसे है? कौन ओवर पावर कर रहा है? स्ट्रांग एसिड. इसका मतलब जो सॉल्ट आएगा वो कैसा आएगा? एसिडिक. और उसका जो पीएच लेवल होगा इट विल बी लेस देन 7, क्योंकि 7 से कम वाले ही हमारे कौन से होते हैं? एसिडिक करेक्टर वाले. और अब थर्ड बात आती है आपकी, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड. अब ओवर पावर कौन कर रहा है यहाँ पे? बेस ओवर पावर कर रहा है. तो आपका जो सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा? इट विल बी ग्रेटर देन और मोर देन 7. जो वैल्यू होगी उसकी कैसी होगी? ग्रेटर देन 7. इसका मतलब कैसा करेक्टर है वो? बेसिक करेक्टर है. जो भी ओवर पावर करेगा वो क्या बन जाएगा? जैसे बेस ने ओवर पावर किया तो बेसिक सॉल्ट आया, एसिड ने ओवर पावर किया तो एसिडिक सॉल्ट आया. अगर दोनों ही स्ट्रांग हैं तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल. सो दिस इज अबाउट पीएच ऑफ सॉल्ट. पीएच ऑफ सॉल्ट कैसे निकलता है वो मैंने आपको समझा दी. अब आते हैं आपके केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. अब हमारे बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो किससे बनते हैं? सोडियम क्लोराइड से. सोडियम क्लोराइड क्या होता है? हमारा कॉमन सॉल्ट होता है. कॉमन सॉल्ट से वी कैन ऑब्टेन मेनी अदर केमिकल्स. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड क्या है. तो सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड. फूड आइटम्स में जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में कॉमन सॉल्ट, उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? इन जनरल सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड मिलता कहाँ पे है हमें? सी वाटर में.
हमेशा याद रखो कि कहाँ से मिलता है, सी वाटर में। तो होता क्या है, डिपॉजिट्स बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े सॉलिड सॉलिड सॉल्ट के। वो ऐसा लगेगा जैसे कि एक पत्थर जैसे, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वहां पे, और ज्यादातर दे आर ऑफ ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर के क्यों होते हैं, वैसे तो आपने देखा होगा कि सॉल्ट हमें व्हाइट कलर का मिलता है। अब वो ब्राउन कलर के इसलिए हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। अगर इम्प्योरिटीज होंगी तो उसको अब आपको क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो हम वहीं से हमें सी सी वाटर में से ही हमें बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स मिलते हैं ऑफ सॉलिड सॉल्ट, एंड देन वी हैव टू क्लियर इट और वी हैव टू इवेपोरेट इट टू गेट सॉल्ट आउट ऑफ इट। अब आती है बात नेक्स्ट कि हम कॉमन सॉल्ट से कौन सी चीजें बना सकते हैं। तो अभी हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर हेयर। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। तो सबसे पहले हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। तो करना क्या होता है, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपको पता ही होगा अभी तक, तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है H2O का। सो हमारे पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड इज पॉजिटिव, एंड कैथोड इज नेगेटिव। सो वैसे ही अटैच हुए हैं ये, दिस इज माय एनोड, दिस इज माय कैथोड। अब होगा क्या, आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे वी विल टेक NaCl एंड वी विल टेक वॉटर इन इट, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो कैसा स्टेट में होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इज एक्चुअली मस्ट बी इन एक्वा स्टेट इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास हमने क्या लिया, NaCl लिया और हमने H2O लिया, उन दोनों को मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइट बनाया अपने लिए, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि आपको कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। अब ये हुआ कैसे, और आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaOH, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे ये सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, आपका NaCl, NaCl कैसे टूट जाएगा, एक Na प्लस बन जाएगा, दूसरा Cl माइनस बन जाएगा। सो बहुत सारे हमारे Na प्लस घूम रहे हैं यहाँ पे और Cl माइनस घूम रहे हैं। अब होगा क्या, एनोड है आपका पॉजिटिव, कैथोड है आपका नेगेटिव। तो एनोड वाले पे सारे Cl माइनस भागते जाएंगे, Cl माइनस आपके एनोड पे कलेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अब कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, तो आपका H2O कैसे ब्रेक होगा, पहले तो ये देखो, H प्लस एंड OH माइनस। तो H प्लस वाले जो हैं चार्जेस वो सारे किस पे कलेक्ट हो जाएंगे, कैथोड पे। Cl माइनस वाले एनोड पे चले गए, H प्लस वाले सारे कैथोड पे चले गए। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिली है और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली है, क्योंकि हाइड्रोजन बनने के लिए इसको और भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो वो कैथोड से ले सकते हैं आसानी से। क्लोरीन को Cl- है तो इसको भी कंप्लीट करने है, तो फटाफट से ये एनोड से ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और क्लोरीन गैस मिलती है। अब बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि OH- क्यों नहीं गया, OH- आयन इसलिए नहीं गया क्योंकि क्लोरीन माइनस इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू OH-। अब सिमिलरली Na प्लस है और H प्लस है, अब Na प्लस भी नहीं गया, Na प्लस तो इलेक्ट्रोलाइट में रह गया, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू H प्लस। तो हमारे पास यहाँ पे जो विद इन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे क्या बचा, Na प्लस बचा है और OH- बचा है। तो इसका क्या बन गया, इसका बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द एंड प्रोडक्ट हियर। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, NaCl लिया हमने, H2O लिया, व्हाट वी गेट एज अ प्रोडक्ट इज NaOH प्लस H2
plus chlorine gas. This is 2NaOH and this is 2NaCl2H2. So this is the end resultant of sodium hydroxide. अब आते हैं कि इसका uses क्या क्या है. तो यहाँ पे H2 gas से H2 gas can be used as fuels, margarine, ammonia for fertilizers. Then Cl2 को use किया जाता है for water treatment, swimming pools, PVC, disinfectant, CFCs, pesticides. And NaOH को use किया जाता है for degreasing metals, metals को साफ करने के लिए या in soaps and detergents. So basic काम इनका ज्यादातर होता है washing के लिए और paper making के लिए use किया जाता है. फाइबर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए अब आपने देखा था कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. ऊपर हमने देखा कि क्लोरीन गैस बन रही है, तो उसी क्लोरीन गैस का यूज करते हैं ये लोग टू मेक ब्लीचिंग पाउडर. अब सबसे पहले इनको चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. अब इसके बाद ये क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे उसी क्लोरीन गैस से जो ऊपर बनी है हमारी. तो अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड प्लस H2O. अब ये जो नेम है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, इट इज फॉर ब्लीचिंग पाउडर. ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर रेडी है. अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन कहाँ से लिया उन्होंने, सोडियम क्लोराइड वाले रिएक्शन से. वहां से क्लोरीन का यूज करते हैं और नेक्स्ट बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर. तो आपको लाइन वाइज ये याद होने चाहिए. अब आता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है. तो ब्लीचिंग आपने काफी बार सुना होगा शायद, लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है. जो कपड़ों की लॉन्ड्रीज होती है वहां पे यूज करते हैं क्लोथ्स को वॉश करने में. या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज है इसका. टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कॉटन के जो कपड़े बनते हैं, ये लाइनन बनते हैं, उसमें यूज किया जाता है. केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. देन थर्ड यूज इज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स. तो इसको यूज किया जाता है फॉर दैट एज वेल. सो दिस इज हाउ वी गेट ब्लीचिंग पाउडर. अब नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज एक्चुअली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास और टू मेक कुकिंग फास्टर. सो बेकिंग सोडा बनता कैसे वो देख लेते हैं. सबसे पहले वी नीड टू हैव NaCl. NaCl इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट होता है, वाटर मिक्स हुआ उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड. देन वी नीड अमोनिया. तो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है आपका NH4Cl और दूसरा एंड प्रोडक्ट आपका होता है NaHCO3 विच इज योर बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो दिस इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और पहला वाला है आपका अमोनियम क्लोराइड. तो बना किससे, हमें रिएक्टेंट क्या चाहिए था, पहले हमें चाहिए था सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड को ही हमने मिक्स किया वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अमोनिया के अंदर. सो हमारा एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब बात आती है कि हमें इससे सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलता है. सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सा सॉल्ट है. तो अगर आपको वो चाहिए तो आप क्या करोगे, आप लोगे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब जब आप इसको हीट करते हो सो इट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इज द एंड प्रोडक्ट और हमें मिलता है वाटर और हमें मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि देखो जब हम बेकिंग सोडा को खाने में डालते हैं तो उसको हम हीट करते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू सोडियम कार्बोनेट. H2O रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं बेकिंग सोडा के. जैसे थोड़े बहुत तो आपको पता ही होगा कि बेकिंग सोडा को हम केक में डालते हैं ताकि वो स्पॉन्जी हो सके, सॉफ्ट हो सके. ब्रेड में डालते हैं टू मेक इट स्पॉन्जी और सॉफ्ट. अगेन वी यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
इन द मेकिंग ऑफ एंटासिड्स, एंटासिड्स में डलते हैं. एंटासिड्स अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि माइल्ड बेस है, कि अगर प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिसिन होती है, प्रॉब्लम हो जाती है ऑफ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, तो हम एंटा एसिड्स लेते हैं वहां पे. और एंटा एसिड से नाम से मत सोचना कि ये एसिड है, दिस इज बेस ओनली. कई बच्चे गलत ले लेते हैं इस चीज को कि इसके आगे एसिड लगा हुआ है तो उसको एसिड मान लेते हैं, ऐसा नहीं है. एंटा एसिड इज एक्चुअली अ बेस और इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. तो इन कामों के लिए बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं. अब बात आती है नेक्स्ट की, दैट इज वॉशिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O. तो होता क्या है हमारे पास कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट मिला अभी हमें लास्ट, उससे लास्ट रिएक्शन जो मैंने ऊपर अभी लिखा था उससे हमने सोडियम कार्बोनेट ऑप्टेन किया था. कैसे बनता है सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लो, हीट करो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा. अब जब आपके पास सोडियम कार्बोनेट आ गया है तो उसके अंदर आप वाटर मिक्स कर दो. वाटर मिक्स किया आपको मिलेगा Na, सॉरी दिस इज Na2CO3, Na2CO3.10H2O. सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा कैसे ऑप्टेन हुआ? हमने सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10H2O मिक्स किया है तो हमें Na2CO3.10H2O मिला एंड इट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं. अब बात आती है यहाँ पे 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है. तो ये सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, जब भी हम डॉट 10H2O या डॉट कभी भी लगाते हैं विद अ कंपाउंड तो इसका मतलब ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे कि ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. ये किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल्स की फॉर्म में. तो हमें अब ये देखना है कि वॉशिंग सोडा को हम मतलब कैसे यूज कर सकते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा कि सोडियम कार्बोनेट यूज होता है इन द इंडस्ट्री ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. तो ये सारी इंडस्ट्रीज में एज अ रिएक्टेंट यूज किया जाता है और एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है ताकि दे कैन ऑब्टेन देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब बात आती है आपकी और कौन से यूजेस हैं इसके. सो इट इज एक्चुअली यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. आपने सुना होगा वॉशिंग सोडा का बहुत ज्यादा यूज होता है हम लोगों के घरों में. सोडियम कार्बोनेट को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट. किसी भी चीज को साफ करना है तो फिर वी विल मेक यूज ऑफ वॉशिंग सोडा. देन इट हेल्प्स इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस अगर जैसे वाटर में होती है, हार्डनेस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पानी खा रहा है, तो अगर उसको आप यूज करना चाहते हो तो यू कैन मेक यूज ऑफ वॉशिंग सोडा. इट कैन हेल्प रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. खारे पानी को वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा. अगर आप सोप यूज करना चाहोगे हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए सो इट वॉन्ट हेल्प. वॉशिंग सोडाज आर मेड सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. नेक्स्ट टॉपिक इज आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई. तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई हुई है बुक में, एक्टिविटी 2.15. तो वहां पे इन्होंने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लिए. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में इन्होंने बर्न करने की कोशिश की. अब बर्न करने की कोशिश करी है इन्होंने तो क्या हुआ कि वाटर ऊपर आने दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है इट इज CuSO4.5H2O. दिस इज द फॉर्मूला. अब ये 5H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि इसके पास 5 फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 5 फिक्स्ड वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में.
तो अब बात आती है कि जब हम इसको बर्न कर रहे हैं, वैसे तो ये ब्लू कलर के होते हैं इनिशियली, जब इसको बर्न किया जा रहा है तो इसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है। अब वाटर जब इवेपोरेट हो रहा है तो वो किस में चेंज हो रहा है, वाइट कलर में, वाइट सॉल्ट बन रहा है उसका। अब क्या होगा अगर आप वाइट सॉल्ट में थोड़ा सा वाटर डाल दो, तो अगेन दे विल टर्न ब्लू, अगेन दे विल गेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगेन दे विल फॉर्म कॉपर सल्फेट .5H2O। कैसे उन्होंने गेन कर लिया, वाटर के मिक्स होते ही। पहले हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लिए, उसको बर्न किया, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर आने लग गए आपके। अब इसके बाद यहाँ पे ये कौन से कलर का हो गया, वाइट कलर का हो गया। अगर आपको वो वापस चाहिए, कॉपर सल्फेट वापस चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर वाटर ऐड कर देना, वाटर ऐड कर दो और फिर से वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, दैट इज कॉपर सल्फेट .5H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, हमें दिखते वो ड्राई हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उनके अंदर होता है, दे होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो अब हमें सीखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें क्या रोल है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमें यही मतलब प्रोसेस दिखाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाता है। तो होता क्या है कि हमारे पास अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दैट इज CaSO4.5H2O, इसके साथ भी अगर आप देखो तो .5H2O जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके पास भी क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद अगर हम इसके अंदर 1.5H2O ऐड करते हैं, सो वी गेट कैल्शियम सल्फेट .2H2O, दिस इज जिप्सम। जब आपने अगर डेली लाइफ में भी देखा होगा कि डॉक्टर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं फॉर प्लास्टर, प्लास्टर जब होता है किसी बंदे को अगर फ्रैक्चर हो जाती है बोन या कुछ भी ऐसा होता है, तो दे मेक यूज ऑफ POP। POP लगाया पहले, उसके ऊपर वाटर मिक्स किया उसके अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम। जिप्सम इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ये। अब ये हार्ड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इट कैन हेल्प इन फ्रैक्चरिंग द और सपोर्टिंग द बोन, बोन को हेल्प करेगा उसको वापस अपनी इनिशियल पोजिशन पे लाने का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम 1.5H2O मिक्स करते हैं, वी गेट जिप्सम। जिप्सम इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। अगर आपको जिप्सम से POP चाहिए, तो जिप्सम को आपको क्या करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा POP में और 1.5H2O में। सो दिस इज हाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्क, हाउ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड अगेन, एंड व्हाट इज द प्रोसेस फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड दिस इज द एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।